मुझे नहीं लगता हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कुछ बयान देते हैं, वज़रा कुछ और बयान देते हैं। मुल्क को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जा रहा है। पंजाब में तब्दीली का शोर, हुकूमत और अपोजिशन में जोर का जोड़। लीगी एम पी ए खलील ताहिर का 40 हुकूमती अराकीन से राब्तों का दावा। पंजाब में किसी भी वक्त तहरीक के अदम एतमाद लाने का इंदिया। पंजाब में डेंगू की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार वजीर आला और वजीर सेहत हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं रोजाना डेंगू से मौत हो रही है, हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो आज पंजाब की ये सूरत हाल ना होती। डेंगू लार्वा को तलब करने और अफसाइश रोकने के लिए कार्रवाइयां तेज। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 528 मरीज रिपोर्ट, 4 इंतकाल कर गए। लाहौर में डेंगू के 401 मरीज रिपोर्ट, 1 का इंतकाल हुआ। कोरोना के कारी वार जारी, शहर में 82 नए केसेस रिपोर्ट 24 घंटों में। लाहौर में कोरोना से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब में कोरोना के 192 केसेस सामने आए, मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। पेट्रोल डलवाएं, कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं। कमिश्नर लाहौर ने हर पेट्रोल पंप पर मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करने का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 4 कोरोना फ्री वैक्सीनेशन मोबाइल्स पर सहूलत मयसर होगी। एहतसाब अदालत में पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अदालत में पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। नया प्रोसिक्यूटर अदालत को गवाह के बयान से मुतालिक मुतमईन ना कर सके, समाअत 17 नवम्बर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाबी दंगल, आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम। लतीफ खोसा को शिकस्त, एहसन बोन सदर सुप्रीम कोर्ट बन गए। हामियों का खूब जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। हमें अदलिया में एक खास तरह की डिवीजन नजर आती है। मैं समझता हूँ कि अदारे के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह चीज है, उसको हम अब्रिज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो अपने आप को कभी भी बरसर इक्तदार नहीं समझते। आइन की बालादस्ती, अदलिया की मजबूती के लिए काम करूंगा, एहसन बोन का कामयाबी के बाद ऐलान। कहते हैं पार्लियामेंट कमजोर हो चुकी, अदलिया और बार में गहरा रिश्ता है, दोनों को एक साथ मिलकर चलना होगा। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा चीनी सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर। शहरियों के लिए दो वक्त का खाना महाल, घरों में फाके होने लगे। शहरी कहते हैं खाना खाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर, हुकूमत नाकाम हो चुकी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। सिराजुल हक ने तरक्की के दावे हवाई फायर, मैच फिक्सिंग करार दे दिए। इस हुकूमत को चलता किया जाए, महंगाई और बेरोजगारी जो है ये आवाम के बस से बाहर हो चुकी है। हमें पाकिस्तान के आवाम के इश्यूज के साथ खड़ा होना है। हमने निकाल दी है जुमे वाले दिन बाद नमाज जुमा तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाज करेगी। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सड़कों पर निकलेगी। राजा परवेज अशरफ बोले हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। कहा NA 133 से PP के झंडे उतरे तो PTI के भी उतरेंगे। तहसीलदार की असामियों पर भर्तियों का इम्तिहान होगा या नहीं, PPSC का आज शतमी ऐलान करने का फैसला। कहा उम्मीदवार सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर कान ना धरें, वेबसाइट पर नजर रखें। आला पुलिस अफसरान के तकर्रर तबादले, इनाम गनी IG मोटरवे, डॉक्टर करीम इमाम सेक्रेटरी नारकोटिक्स तैनात, फैसल शाहकार को IG रेलवे लगा दिया गया। तकर्रर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। चार थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील, सदाकत अली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डोयरमाल, गुलाम समीर थाना टाउनशिप में तैनात,
जावेद हसन का मांगा मंडी, असगर अली का कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट तबादला। शहर के यूसी चेयरमैन की वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद से मुलाकात, डेप्टी मेयर वसीम कादर की भी शिरकत। मियां महमूदुर रशीद की बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी। वजीर सनत और तजारत की जेर सदारत इजलास, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेटस को कॉलोनाइजेशन का जायजा। मियां असलम इकबाल कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टेटस में सनती यूनिट्स लगने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। सुपीरियर कॉलेज फॉर वुमेन कलमा चौक के जेर तमाम मुकाबला हुस्नैना तालिबात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश किए। इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम। मारूफ कॉलम निगार डॉक्टर अजमल नियाजी की याद में ताजियती रेफरेंस, मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा इंसान ओहदों से नहीं इंसानी खिदमत करके अजीम बनता है। एम प्रोग्राम की कामयाबी, डी डी एन एस एच एंड डी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब, तलबा यूनिवर्सिटी से फारिग और तहसील होने से कबल बरसरे रोजगार है। पाकिस्तान में फुटबॉल का तवील बहरान, ऑर्गेनाइजर्स फुटबॉलर्स तरह एहतजाज। अशफाक हुसैन, आमिर डोगर ग्रुप ने 10 नवंबर तक फीफा हाउस खाली ना किया तो फिर धरना देंगे, साद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। टी20 इंटर क्लब वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट, कनेट कॉलेज और लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान मैच, तालिबात इवेंट के नकाद से खुश, कहती हैं मैच से खातिन क्रिकेट को भी फरोग मिलेगा। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा हसैन जंजानी का 1013वां उर्स मुबारक, महकमे औकाफ ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। उर्स मुबारक की तकरीब आज से शुरू होगी। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूं सुहा अफसल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर आपको देंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए कि हुकूमत से निकलने की जल्दी ओपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को खुद है, हुकूमत वक्त से पहले घर जाएगी। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद ये भी कहा कि वजीर आजम कुछ बयान देते हैं, उनके वुजरा कुछ और ही बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वुजरा एक दूसरे के बयान को खुद तरदीद करते हुए मंजर आम पर आते हैं। एक बार फिर से आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। आज पेशी के मौका पर यह अहम गुफ्तगू साद रफीक की जानब से की गई। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे बल्कि हुकूमत से निकलने की जल्दी ओपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को तो खुद है, हुकूमत वक्त से पहले घर जाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू की, मजीद क्या कहा आप भी देखिए। जहाँ तक हुकूमत को निकालने का ताल्लुक है तो जितनी जल्दी अपोजिशन को है हुकूमत को निकालने की, उससे ज़्यादा निकलने की जल्दी खुद हुकूमत को है, और उनके सारे जो स्टेप्स हैं और इकदाम हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। हमें इलेक्शन ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा। जो सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी टर्म पूरी करेगी, क्योंकि इनके लक्षण जो है वो टर्म पूरा करने वाले हैं ही नहीं। हालाँकि इन्हें गिराने की तो कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि इन्होंने तो साजिश की थी गिराने की, लेकिन वो अब खुद गिरना चाह रहे हैं तो उनको कौन रोके, वो तो खुद गिरना चाह रहे हैं। वो ज़रा बात करते हैं तो एक दूसरे की तरदीद करते डनाई करते नज़र आते हैं। हमने तो ऐसी हुकूमत देखी नहीं, वज़ीर आज़म कोई बात करता है, वज़रा कोई बात करते हैं, वज़रा के बयान एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक एक दिन में ही सब कॉन्ट्राडिक्शंस कर रहे होते हैं।